दुख तो होता है उत्तराखंड के पहाड़ के गढ़वाल के बच्चों को जब देखते हैं कि पहाड़ की जमी गढ़वाल की जमी बंजर हो गई है गांव खेत खलियान जो महकते चहकते थे कभी आज सुनसान खंडर में तब्दील हो गए हैं कब किस माँ ने चाह था कि उसके बच्चे उससे इतने दूर हों कि कभी मुड़ के भी न देखें उसकी सुध बुध भी नहीं ले सकें कब किस मिट्टी ने चाहा था कि उसमें फल फूल अनाज नहीं बबूल उगे नमस्कार दोस्तों मैं उषा रावत आज इस उत्तराखंड की भूमि का दर्द बयां करते हुए अपनी भावना प्रकट कर रही हूँ आज अगर ये उत्तराखंड की भूमि पहाड़ की भूमि पूछ रही होगी हम लोगों से तो जरूर यही पूछती होगी कि उसका आखिर क्या कसूर था आज मेरे पहाड़ मायूस है क्योंकि मेरे बच्चे मुझसे दूर हैं आज मेरे खेत खलियान नीरस हो गए हैं गांव घर खामोश हो गए हैं क्योंकि मेरी संतान मुझसे अलग हो गई है क्या मैंने कभी कोई कमी करी कभी किसी को भूखा रखा कभी किसी को पानी प्यासा रखा बिन पानी का रखा क्या मैंने कभी तुम्हें दूध घी नहीं खिलाया था क्या अनाज से तुम्हारे घर मैंने नहीं भरे थे आखिर कहाँ मैंने कमी कर दी कि जो तुम मुझसे छोड़ मुझे छोड़कर इतना दूर चले गए और कहते फिरते हैं कि यहाँ तो कुछ नहीं होता यहाँ तो कुछ नहीं होता यहाँ कुछ नहीं होता कितना दुख होता होगा बच्चों मुझे जब मुझे ये सुनाई देता है कि यहाँ कुछ नहीं है यहाँ कुछ नहीं क्या नहीं है तुम ये बताओ क्या नहीं है यहाँ इतने ऊंचे ऊंचे उच सुंदर पर्वत मेरे एक के बाद एक एक श्रृंखलाओं में पर्वत है मेरे सिर पर मुकुट है हिमालय पर्वत है मेरे चार धाम हैं बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री जमनोत्री ये मेरे तो धाम है गंगोत्री मेरे से तो निकलती है क्या नहीं है बच्चों मेरे पे क्यों तुम मेरे को बदनाम करते हो कि यहाँ कुछ नहीं है अगर यहाँ स्कूल नहीं है कॉलेज नहीं था स्कूल नहीं था कंपनी नहीं खुली तुम्हारे लिए रोजगार के साधन नहीं थे तो क्या ये सब किसने पूरा करना था ये ने तो करना था ही अगर इन अलग हो गए तो ये सब कौन पूछता इन सब का शुदुध कौन लेता मेरे बच्चों तुम्हें सुख सुविधा चाहिए थी तो तुमने मुझे छोड़ दिया लेकिन मैं तो आज भी अपने वही सरल स्वभाव में जीने वाले सीधी साधी पहाड़ इतनी सादगी में मैं जी रही हूँ मैंने अपने ऊपर कोई बनावट नहीं की कोई मेकअप नहीं थोपा ज्यों करती हूँ ऐसी रही बगल में मेरा भाई उत्तर प्रदेश अब इतना चमक रहा है लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए उसको चमकाने वाला कौन लाल है मेरा ही तो लाल है मेरे से तो उत्पन्न हुआ है वो लेकिन कुछ कुछ मेरे लाल आज देश दुनिया में, में मेरा नाम ऊंचा कर रहे हो लेकिन बच्चों जो तुम बड़ी तादाद में बोलते फिरते हो ना कि मेरे मैंने कुछ नहीं किया या कुछ नहीं है उससे मुझे बहुत दुख होता है मैंने तुम्हें बहुत दिया कम मैंने तुम्हें शहर की ज़िंदगी तुम्हें शहर की ज़िंदगी जीनी थी लेकिन शहर में तुम मुझे पता है कैसे जी रहे हो मैंने तुम्हें दूध घी दही खाना सिखाया था लेकिन आज तुम्हारे हाथों में क्या है मुझे दिखाई देता है शराब के प्याले आज तुम्हारे शरीर दुर्बल हो गए हैं मैंने तो तुम्हें रिश्त पुष्ट बनाया था मैंने तुम्हें मेहनती बनाया था मैं मीलों चलते थे तुम फिर भी थकते नहीं थे मेरे एक डाल के नीचे ठंडी हवा में तुम्हें नींद आ जाती थी कभी मेरे जानवर ने तुम्हें खाया नहीं कभी यहाँ पर सांप ने तुम्हें डसा नहीं मैंने हर बार तुम्हारी रक्षा करी अब तुम बोलते फिरते हो कि यहाँ कुछ नहीं मुझे शर्म आती है बच्चों जब तुम शहर में अपने शरीर को बीमार करके अभी भी आते हो मेरे पास तब भी मैं तुम्हें गले लगा देती हूँ मेरे बच्चों को फिर भी मैं स्वस्थ करने की जिम्मेदारी लेती हूँ बच्चों तुम अभी भी मेरे पास आओ मेरे में बहुत सामर्थ्य है मैं तुम्हें फिर भी रिष्ट पुष्ट बलवान कर सकती हूँ छोटे छोटे लघु उद्योग मेरे में खोलो तुम्हारे बाप दादाओं को क्या मैंने नहीं पाला क्या वो भूखे रहे क्या तब गृह उद्योग छोटे छोटे लघु उद्योग नहीं करते थे अरे यहाँ क्या क्या नहीं होता था अभी तुम कह रहे हो यहाँ कुछ नहीं या कुछ नहीं क्या दुग्ध का दूध का उत्पादन यहाँ नहीं हो सकता है क्या ऑर्गेनिक खेती जो बोलते फिर रहे हैं लोग ये पहाड़ ऑर्गेनिक है तो क्या ऑर्गेनिक फसल को उगा उगा के तुम नहीं बेच सकते हो तुम मेरे बच्चे तो माल से हो गए तुम निकम्मे हो गए अब तुम सिर्फ मेरे को बदनाम करने में लगे हो तुम मेरे को सिर्फ बदनाम करने में लगे हो कि हाँ कुछ नहीं है ये बताओ कि अब तुम्हें शहर के माचिस जैसे माचिस जैसे डिब्बों में रह के तुम इतने आसे हो गए इतने निकम्मे हो गए शरीर में तुम्हारी ताकत नहीं रह गई एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने की तुम्हारी हिम्मत नहीं रह गई और तुम बोल रहे हो कि अब यहाँ कुछ नहीं सच बात तो ये है कि तुम यहाँ आना नहीं चाहते हो तुम मेरी मिट्टी से अब नफरत करने लग गए हो जितने घंटे तुम शहर में दस दस घंटे बारह बारह घंटे मेहनत करती हो अरे मैंने इतनी मेहनत भी नहीं करवाई थी तुमसे सिर्फ चार घंटे में एक एक फसल मैं दे देती दे थी और हर समय तुम्हारे तुम्हारे लिए साग सब्जी फल फ्रूट तो हर जगह तैयार रहते थे तुम चलते फिरते भी मेरे कंद भूल खाते नहीं थे याद नहीं है तुम चलते फिरते एक कोस में तो पानी मैं तुम्हें देती थी कम मैंने तुम्हें कमी करी बच्चों आज सोचो तुम इतने नीरस हो गए इतने निकम्मे हो गए कि मुझे ही बदनाम कर रहे हो लेकिन मैं आज भी बाहें फैला के तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ आओ और मुझे उन्नत करो मेरी ताकत बनो और मुझे मेरे बाकी भाई बहनों की तरह मुझे ऊंचा उठाओ मेरी बहन एक हिमाचल में कितनी उन्नत हो गई है आज वो मुझे मुंह चिढ़ाती है कि तू वहीं की वहीं रह गई देख मैं कितनी खुशहाल हूँ मेरे में देश दुनिया से लोग भ्रमण करने आते हैं तब भी मैं झुक जाती हूँ मेरा सिर झुक जाता है मेरा भाई उत्तर प्रदेश आज उन्नत हो रहा है तब भी मैं झुक जाती हूँ काश कौन मुझे उन्नत करेगा कौन मेरी सुद लेगा बच्चों मेरी ताकत बनो और आओ लौट जाओ मेरे में मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी जो मैं एक मा...